केजीएफ के बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस फिल्म के बारे में सभी को पता है। लेकिन आपको क्या लगता है ये फिल्म इतनी हिट क्यों हुई? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और साथ ही साथ अगर आपको इस पिक्चर के बारे में एक महत्वपूर्ण राज जानना है तो उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से वॉलिंग राज स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, केजीएफ हिट होने के कई कारण है, जैसे की इसकी दमदार कहानी, लाजवाब स्टार कास्ट, इसका धमाकेदार म्यूजिक। लेकिन क्या आपको और एक बात पता है जो इस मूवी को और मूवी से अलग और हटकर बनाती है? ये है इसके स्पेशल VFX। जी हाँ दोस्तों, बेशक इसमें सभी कुछ अच्छा है पर खाने में जो डेजर्ट का काम करता है वो इस फिल्म में VFX ने कर दिखाया। इस फिल्म के VFX ने इसको एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि इसमें कितने विशाल और भव्य सेट्स दिखाए गए हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये कमाल ग्रीन स्क्रीन का है दोस्तों। जी हाँ, इस पिक्चर के लिए उन्हें 80s के सेट को तैयार करना था, वो भी कोलार गोल्ड फील्ड्स का। ये सेटअप बहुत बड़ा था और इसी वजह से इसे हर जगह लेकर जाना मुमकिन नहीं था और इसी के कारण इसमें ग्रीन स्क्रीन लगाकर स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए थे। लेकिन ये एडिटिंग और इसका काम इतना प्रोफेशनली किया गया था कि किसी को अंदाजा तक नहीं लगा कि ये VFX है और सच्चा सेट नहीं। इसे कहते हैं टैलेंट दोस्तों। आपको बता दूं, इसका VFX किया था बेंगलुरु की टीम ने, जिसे लीड किया था हेगडे ने। इसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म इतने ग्रैंड तरीके से बनाई गई थी कि इसके VFX के लिए हमें 100 लोगों को लेना पड़ा था, पर जब हमें इसके लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया तो हमें लगा कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। आमतौर पर लोग मुंबई या फिर अब्रॉड जाते हैं VFX के लिए, लेकिन प्रशांत सर ने हमारे बेंगलुरु टीम पे ये जिम्मेदारी सौंपी थी, इसके हम शुक्रगुजार हैं। दोस्तों सोचिए, इसके सिर्फ VFX की टीम में ही 100 लोगों को लिया गया था तो पूरी फिल्म के पीछे न जाने कितने लोग होंगे। इस फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने दिन रात किया होगा। अब दोस्तों, KGF 2 में हमें नया क्या देखने को मिलेगा, इस बात की उत्सुकता सभी को है। इस फिल्म को महामारी के कारण आगे ढकेल दिया गया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये फिल्म हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।